हेलो गाइस, वेलकम टू एलजीबीटी कम्युनिटी असम। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मैं एक डिस्कशन के ऊपर ही लेके आया हूँ। आप लोग भी कमेंट में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर कोई आप लोगों के पास पॉइंट्स हो या टिप्स हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं कुछ डिस्कशन करूँगी। ठीक है, हम में से बहुत लोगों को लगता है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी फैमिली से हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता इस दुनिया में, सिर्फ एलजीबीटी फैमिली को छोड़ के। ऐसा क्यों होता है, यही मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ब्रीफली डिस्कस करूँगी, ओपनली डिस्कस करूँगी। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है, और हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हमें कोई नहीं समझता इस दुनिया में, सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को छोड़ के। ठीक है, ये क्यों होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आपका फैमिली आपको समझता है? क्या आपका मम्मी पापा आपको समझता है? क्या आपका भाई बहन, आपका कोई रिलेटिव आपको समझता है? क्या आप एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके अपना फैमिली के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं ओपनली? नहीं, बिग नो। क्योंकि ये जो शुरुआत होता है ना, सोसाइटी, दुनिया, ये सब अपने घर से शुरू होता है। ये सब मेरे घर से, आपके घर से शुरू होता है। ना समझने वाला कहानी, ना समझने वाला बातें। अपने घर में ये जो बात है नहीं समझने वाला, ये हमारे घर से शुरुआत होता है। ठीक है, हमारे घर में हमें नहीं समझता है, एलजीबीटी कम्युनिटी को नहीं समझता है, और यही लोग हमारे सराउंडिंग घूमता है। यही लोग सोसाइटी के और लोगों के साथ मिलता है, बातें करता है। आपका फैमिली हो, मेरा फैमिली हो, आगे बगल वाला किसी का फैमिली हो, एक्सेट्रा, किसी का भी फैमिली हो, सबका फैमिली मिलके ही सोसाइटी होते हैं। सोसाइटी कोई अलग से नहीं बनता है, सोसाइटी हमारा, आपका, सबका फैमिली मिलकर ही सोसाइटी बनता है। सो हमारे घर में अगर कोई नहीं समझता, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा सोसाइटी हमें समझेगा, या गवर्नमेंट हमारा मैरिज, सेम सेक्स मैरिज वाला रूल पास करेगा, क्यों लगता है? क्योंकि हम तो अपने घर में ही ये जो काम करना चाहिए हमें जो काम हर जगह, ऐसा डेली करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझाने का ज़रूरत नहीं है कि आप लोग हमें समझो। इस दुनिया को किसी को समझाने नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर में समझाना है, अपना मम्मी पापा को समझाना है, अपना भाई बहन को समझाना है, क्योंकि यही लोग हमारा क्लोज है, यही लोग बचपन से हमें देखता है, हमारे साथ बड़ा होता है, हमारे भाई बहन, मम्मी पापा हमें बड़ा करते हैं, यही लोग हमें समझेगा। दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन यही लोग हमें समझेगा। अगर आपका फैमिली आपको समझता है, मेरा फैमिली मुझे समझता है, और यही लोग जाके सोसाइटी में बातें करता है, सो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगा एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके। ठीक है, सो हमारा काम एक ही है। ठीक है, कोई भी आप लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, LGBTQ+ कम्युनिटी बोलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, कम्युनिटी खत्म नहीं होता है, बहुत सारा है। ठीक है,
तो हमारा काम एक ही है कि हम अपने घर में अपना मम्मी पापा को धीरे धीरे से समझाना स्टार्ट करें। आज इस टॉपिक को लेके, कल उस टॉपिक को लेके धीरे धीरे बोलिए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए, ऐसे मतलब मूड दिखा के, मतलब झगड़े के माइंड में जाके ऐसे मत की बोलिए कि हाँ मैं लेस्बियन हूँ, हाँ मैं गे हूँ, हाँ मैं बाइसेक्सुअल हूँ, हाँ मुझे ट्रांसजेंडर करना है। ऐसा कभी मत बोलिए, क्योंकि उन्हें भी शॉकिंग लग जाता है। उन्हें तो अभी तक यही लगता है ये बीमारी है, ठीक है। हम में से काफ़ी फैमिलीज़ को लगता है ये बीमारी है। हम में से, मैं खुद के फैमिली को बताती हूँ, मेरा घर में मेरा पापा थोड़ा बहुत समझता है, ठीक है। अभी मैं बोलती हूँ तो मान भी गया कि हाँ लड़की लड़की वो लोग ऐसा कर रहा है, फिर भी ये सोचता है कहीं ना कहीं मेरा पापा भी, कि अभी ऐसा सोच है उसका कि कोई लड़की को पसंद करता है, मे बी फ्यूचर में वो सोच चला जाएगा, ऐसा मेरा पापा सोचता है। मम्मी तो इनमें गिरता ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता है, आता ही नहीं। मतलब ये टॉपिक में बात होगा तो मेरे मम्मी सामने ही नहीं बैठेगा ऐसा। लेकिन पापा मुझे एक्सेप्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सोचता है कि शायद ये फ्यूचर में मेरा थिंकिंग चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो फैमिली है, आज के दिन में भी LGBTQ का मीनिंग पता नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं उन्हें एग्जांपल देके समझाऊँ ना, वो लोग समझ जाता है। हाल ही में मैं अपना पापा को ऐसा बोला कि हिस्ट्री में ऐसा स्टैचू मिला है जहाँ लड़की और लड़की का एक साथ स्टैचू है, लड़का लड़का का स्टैचू है, बहुत सारा हिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे, लेस्बियन गे हिस्ट्री से ही है, ये कोई नया नहीं बना है। सो मेरा पापा तब बोला है कि हाँ ऐसा मैंने भी एक फिल्म देखा था बहुत पहले, कि एक लड़का लड़का के साथ ऐसा दिखाया था, लेकिन वो हंसी मजाक में फिल्म बनाया था, क्योंकि उस टाइम में लेस्बियन गे किसी को नहीं पता, ठीक है। 1984 के बारे में मेरा पापा बात कर रहा था, तो उस टाइम में किसी को लेस्बियन गे इंडिया में, इंडिया का बात बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो उस टाइम में फिल्म भी ऐसा ही बनाता था कि देता था वो लोग लेस्बियन गे, ठीक है, लेकिन उसे हंसी मजाक का रोल में घुसा देता था, लेकिन दिखाता ज़रूर था। तो जो समझता है वो समझो, और जो नहीं समझता वो तो बोल के लाभ नहीं है, तो ऐसी बात है। तो हर किसी को एग्जांपल देके ही सिखाना पड़ेगा। बचपन में जैसे हम लोगों को टीचर ने जब स्टडी कराता था, पढ़ाता था, तो वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि ऐसा करो ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, वो लोग हमें एग्जांपल दे दे के सिखाता था। तो वही हमें भी करना है, हमें एग्जांपल दे के धीरे धीरे अपना फैमिली को समझाना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आप अपने घर में करेंगे, मैं अपना घर में करूँगी, तो मुझे मतलब 100% श्योर है एक दिन ये पूरा इंडिया को समझ में आ जाएगा LGBT कम्युनिटी क्या है, LGBT कम्युनिटी का लोगों का थिंकिंग क्या है, वो लोग क्या सोचता है। ओवरऑल हम सब ह्यूमन हैं, हमें राइट है हमें अपना तरीका से रहने का, यह सबसे बड़ा चीज़ है जो हमें दिमाग में घुसा के रखना है। कोई भी चीज़ का एक शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो शुरुआत आपसे करना पड़ेगा। आप अपने घर पे समझाइए, मैं अपने घर पे समझाऊंगी ये वीडियो जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोगों तक जा रहा है, जितना भी लोग देख रहा है, मेरा उनसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग कोई इंस्टेंट डिसीजन मत लीजिए, जैसे कि घर छोड़ने का वगैरह, ऐसा कुछ मत कीजिए इंस्टेंटली।
आप लोग धीरे धीरे अपना मम्मी पापा को समझाने की कोशिश कीजिए। अपना जो सेक्सुअलिटी है, अगर आप कॉन्फिडेंट है, अब गे लेस्बियन बायसेक्सुअल कुछ भी है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है अपना सेक्सुअलिटी को लेके, तो अपना आवाज़ उठाइए, अपने घर में अपना सेक्सुअलिटी के बारे में बताइए कि आप क्या है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आप अपना घर में समझाइए सबको। अगर आपका घर में आपको एक भी इंसान समझ गया ना, तो समझिए सोसाइटी में 50% हम सबको समझ लेगा, क्योंकि हर किसी को इस अभियान में साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना घर में बोलूँगी आप कुछ भी मत बोले, आप डर डर के रहेंगे। अगर आप आज डर के रहा, तो आगे जो जितना भी साल जाएगा ना, आप डर के रहेंगे, और जब बुढ़ापा आएगा आप ये सोचेंगे कि मैं घर पे एक बार बता सकता था, एक बार ट्राई तो कर सकता था। ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपका घर पे ये मम्मी पापा भाई बहन है, ये कोई बाहर का कोई नहीं है, या कोई आपको जेल में नहीं लेगा। और ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ पास किया है, सो लेस्बियन कोई गलत चीज़ नहीं है, गे कोई गलत चीज़ नहीं है, एलजीबीटी कम्युनिटी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये 100% सही है, इसीलिए ही लॉ पास हुआ है गाइस। सो अगर आपका घर में समझ जाए आपका सेक्सुअलिटी के बारे में, तो धीरे धीरे ये इंडियन स्टैंडर्ड सोसाइटी भी हमें समझ जाएगा, और ये मैं 100% श्योर दावा कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत आपको अपना घर से करना पड़ेगा, यही मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, शुरुआत अपने घर से कीजिए। सो गाइस, पहले अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर बिठा लीजिए, हमारा जो सेक्सुअलिटी है 100% वो गलत नहीं है, हमारा जो आइडेंटिटी है वो गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, हमारा होना भी गलत नहीं है। सो लोगों को ये समझाना पड़ेगा हमें कि हम गलत नहीं है, हमारा सेक्सुअलिटी गलत नहीं है, हम भी नेचुरल है, हमारा प्यार भी नेचुरल है, ये सब सही है, 100% सही है। यही हमें अपना सराउंडिंग में समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग अभी तक समझा ही नहीं, और कोई भी उन्हें अच्छी तरह से समझाता भी नहीं। हमें समझाना पड़ेगा लोगों को, हमें समझाना पड़ेगा। अगर एक बच्चे को बचपन में सिखाने के बाद ही कुछ सीखता है, तो हम बच्चे क्यों नहीं सिखाते, हम बच्चे बड़ों को क्यों नहीं सिखा सकते, हम भी सिखा सकते, हम धीरे धीरे सिखाएंगे समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा, सीख जाएगा। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि एलजीबीटी कम्युनिटी गलत नहीं है, आप लोगों का नज़रिया गलत है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, क्योंकि आप लोगों को इस बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज़ पता है कि एक लड़का और लड़की में ही ऐसे एक्स होगा, फिर उनका फैमिली बढ़ेगा, उनमें प्यार होगा, यही आप लोगों को पता है, क्योंकि ये सदियों से चल के आ रहा है। लेकिन ये ठीक है, लेकिन सिर्फ यही होता है ये कोई बात नहीं, क्योंकि एक लड़की भी लड़की से प्यार कर सकता है, एक लड़की भी एक लड़की के साथ फैमिली कर सकता है, एक लड़का भी एक लड़का को प्यार कर सकता है, एक लड़का भी एक लड़का के साथ रह के फैमिली बना सकता है, ठीक है। फैमिली बनाने के लिए मतलब एक लड़का लड़की ही चाहिए, ये कोई बात नहीं, ये आप लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्यार है, हमारा प्यार भी एक नेचुरल है और नॉर्मल है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मल कुछ नहीं है, ये भी सेम है, ठीक है। ये आप लोगों को समझाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले जो मैं बोला हूँ, आप अपना घर से स्टार्ट कीजिए, अपने घर के मेंबर को समझाइए, और घर के मेंबर मतलब आपका रिलेटिव को समझाना नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा
और भाई बहन यही आपका क्लोज है, इन्हें ही आप समझाइए, बाकी ये दुनिया आप लोगों को समझ जाएगा, हमारे कम्युनिटी को समझेगा, हमें समझेगा। दोस्तों ये मैं YouTube चैनल इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोगों से मैं कनेक्ट कर सकूँ, आप लोगों को मैं एक मतलब सल्यूशन दे सकूँ कि किस तरह से हम अपना कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा फाइट हुआ, उसके बाद हमें ये लॉ मिला कि हम अभी रिलेशनशिप कर सकते हैं लेस्बियन में, ठीक है। 377 लॉस उठा है, तो बहुत फाइट हुआ है बहुत हिस्ट्री में, अगर आप लोग देखने जाएंगे उसमें मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगी क्या क्या हुआ है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद ही ये लॉस अगर मिला है हमें 377 सेक्शन 377 उठ के, सो हमें गवाना नहीं है, ये एक चाबी मिल गया है हमें, जिसके लिए हम अगर इस पे काम करते रहे, मुझे आशा है एक दिन हम भी स्ट्रेट लोगों की तरह सिर उठा के रह सकते हैं। हम लोग अभी भी सिर उठा के है क्योंकि हम अपने आप को नॉर्मल ही समझते हैं, लोग क्या समझते हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हाँ मैं कोई रूल्स ब्रेक नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा सेक्सुअलिटी को लेकर अगर लोग कुछ समझता है तो मुझे उनमें मतलब मुझे दिलचस्पी नहीं है कि लोग मुझे क्या समझता है, क्योंकि मुझे अपने आप को समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरा फैमिली क्या समझता है, मेरा मम्मी पापा मुझे क्या समझता है, ये मेरे लिए मेन बात है, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन डिस्कशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर मैंने कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप लोग वो भी मेंशन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।